नमस्कार बच्चों, मैपिंग योर वे में आज नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, यानी कि आप किसी भी फिगर या पिक्चर को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी होता है तरीका ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो इजीली आप बना पाएंगे। तो जो हमारी पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही है आपको कि एक कार की पिक्चर है, एक लीफ और एक ये दिया बना हुआ है, तो इसको हम छोटा या बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हमने हाफ सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाया हुआ है, एक 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट ग्रिड्स अगर लेके चलेंगे तो इजीली हम बना पाएंगे। जैसे फर्स्ट है, इफ़ द लेंथ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। अगर किसी स्क्वायर में ओरिजिनल लेंथ हम लेके चल रहे हैं कि स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर, यानी जो स्क्वायर्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं वो अगर 1 सेंटीमीटर यूज़ करके हम चलते हैं, तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, यानी कि अगर हम साइड 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, साइड क्योंकि स्क्वायर है तो बोथ साइड्स 1 सेंटीमीटर की होंगी, तो 1 × 1 दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। इट मीन्स ये जो हमने ग्रिड ली है, जो बड़ी पिक्चर वाली जो ग्रिड है, उसमें हम 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर का यूज कर रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1/2 सेंटीमीटर, अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो रहा है, इसका हमने हाफ यूज किया, तो फिर पिक्चर कैसी बनेगी? तो पिक्चर छोटी हो जाएगी क्योंकि हमने जस्ट हाफ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने 1 का हाफ लिया है 0.5, ठीक है, और वी कैन से दैट 0.5 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर दिस। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर मीन स्मॉल स्क्वायर इज 1/2 × 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स 1/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 1/4 कैसे हो गया? आपका हाफ जो हुआ हमारा, हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ दैट इज इक्वल टू 1 × 1 हो गया, 2 × 2 दैट इज 4। इट मीन्स ये 1/4 हो गया। जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1/4 को, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं साइन लगाकर, ठीक है, तो 4 आ गया हमारा डिवाइजर, 1 हमारा डिविडेंड, ठीक है। और उसके बाद हमें सबसे पहले पॉइंट लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, आपका छोटा नंबर है यहाँ पे और ये बिगर नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाते ही हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 × 2 = 8, माइनस किया हमने 10 − 8 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें 0 ले सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डिवाइड, तो 0.25 आ गया, यानी कि 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर एक स्क्वायर की ये यहाँ पे एरिया हो जाएगा जो स्मॉल स्क्वायर है। और बड़े वाले का तो हम निकाल ही चुके थे, बड़े का था हमारा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका है 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उस तरह से जब हमें ड्रॉ करना होगा, अगर हमें बड़ा वाला दिया हुआ है, जैसा कि इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ 1 ब्लॉक है, इट मीन्स 1 ब्लॉक। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 1 ब्लॉक कहाँ पे कम्प्लीट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ कम्प्लीट हो रहा है, यानी हाफ वाले को आप 1 ब्लॉक समझ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर भी इस दिए को इस तरह से ड्रॉ, ये 1 ब्लॉक में आपका डिजाइन जा रहा है, तो 1 ब्लॉक में इतना हाफ पार्ट, फिर हाफ पार्ट आपका अगले ब्लॉक में जा रहा है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही लीफ है, तो लीफ में क्या है, आपका 2 ब्लॉक में आपका ये दिए का डिजाइन है, उसके बाद 1 ब्लॉक छोड़ने के बाद, 1 ब्लॉक आपने छोड़ दिया है, उसके बाद आपको लीफ को स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 ब्लॉक आपका ये वाला हो गया लीफ, ये दिए के 2 ब्लॉक हो गए, और 1 ब्लॉक इसको छोड़ने के बाद ये लीफ का हम ड्रॉ कर देंगे। अब लीफ का हमारा जो है यहाँ पे 2 ब्लॉक ले रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 2 ब्लॉक लेने हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्लॉक होंगे और यहाँ पे बिगर है, उसको करते हुए इसका डिज़ाइन इस तरह से बना देंगे। ऐसे ही हम कार का भी लेंगे, कार का भी हमारा यहाँ से हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाले ब्लॉक में शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड वाले ब्लॉक से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले ब्लॉक में ये वाली विंडो का पार्ट आ रहा है, तो ये वाला ड्रॉ करना है। इस तरह से हम जो भी यहाँ पे ब्लॉक के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमें शुरू करना है। जैसे यहाँ बड़े वाले में जो चीज़ हो रही है, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है।
व्हील जैसे आपका एक ब्लॉक में यहाँ पे आया है तो आपको इस वाले ब्लॉक में भी उसी तरह से लेना है। तो अगर आपके पास छोटा वाला फिगर है या पिक्चर है तो आप उसे बड़े वाले को भी बना सकते हैं, और बड़ा वाला है तो भी छोटे वाले को बना सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा कि वो कितने सेंटीमीटर का होगा। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर का आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का, इट मीन्स यू कि आपको यहाँ जस्ट हाफ कर देना है जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं कि अगर हम इसको, अभी तो हमने छोटा बनाया, अगर हम बड़ा कर दें यानी 1 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक में बनाए, 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाए, स्क्वायर ग्रिड में, तो पिक्चर कैसी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 सेंटीमीटर का जो ग्रिड लिया हुआ, आप यहाँ देख रहे हैं निशान, जैसे कि 2 सेंटीमीटर को लिया तो ये 1 ब्लॉक बना दिया हमने। तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि When the side of a square is made 2 times bigger, अगर हम 2 times bigger कर देते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर था उसको 2 times किया, means कि 2 सेंटीमीटर साइड हो गई, तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड इन टू साइड 2 × 2 square centimeter, means आपने डबल कर दिया उसका, जो भी था उसको डबल कर दिया, तो आपका ये 4 square centimeter का एरिया आ गया। ये 2 सेंटीमीटर हो गया साइड और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इन टू साइड, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 4 square centimeter। सो व्हेन द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज मेड 2 times, मींस अगर आपने साइड को डबल किया है, अगर जैसे हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप साइड को कर रहे हैं डबल, साइड था 1 centimeter, इसको आपने क्या किया, डबल किया, तो ये कितना हो गया आपका, डबल का मीन्स होता है ट्वाइस, 2 × 1 centimeter, दैट इज इक्वल टू 2 centimeter। तो ये तो डबल हो गया, लेकिन इससे एरिया पे क्या फर्क पड़ा, एरिया इज 2 times bigger, ये भी 2 times हो गया। कैसे हुआ, जैसे एरिया का फॉर्मूला जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, लिखते हैं साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड लिखने के बाद हमने, क्योंकि हमारी जो साइड अब हो गई है 2 centimeter, तो हमने ले लिया 2 centimeter और 2 centimeter मल्टीप्लाई किया तो 4 square centimeter हो गया। तो यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 2 × 2 centimeter हुआ, इट मीन्स कि जो हमारी साइड थी उसका डबल हो गया, ये 2 times bigger हो गया। हमारी जो साइड पहले था 2 centimeter, तो उसका जो एरिया निकला था 1 centimeter, जो हमारा साइड थी उसका एरिया निकला था 2 centimeter, 2 square centimeter, अब यहाँ पे आ रहा है 4, तो इट मीन्स ये डबल हो गया पहले वाले से, जो हमने 1 centimeter का साइड वाला स्क्वायर लिया था, तो एरिया भी डबल हो जाएगा, यानी जो आप एरिया लेके पहले चले थे उससे डबल एरिया होगा, हर चीज का, लीफ का, दिए का, इसका सबका डबल हो जाएगा। That's why they have written that. So when the side of the square is made 2 times bigger, अगर आपने किसी square की side double कर दी, twice कर दी, then its area becomes, तो जो area हो गया becomes 4 times bigger than the original area, तो original area होगा उसके 4 times bigger हो जाएगा। यहाँ पे 4 square centimeter area हो गया है, पहले हमने जो area देखा था 1 centimeter का, यानी कि आप जब एरिया निकाल रहे थे तो 1 centimeter मल्टीप्लाई बाय 1 centimeter, ये हो गया था हमारा 1 square centimeter, जो हम 1 centimeter साइड वाले स्क्वायर में ले रहे थे। तो पहले था 1 और अब हो गया हमारा 4, तो यानी कि आपका ये 4 times बढ़ गया। अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो क्या से लिख देंगे कि 4 times ऑफ 1 square centimeter, यानी जो हमारा पहले एरिया था जिस पहले वाले ग्रिड में, तो उसका 4 times यहाँ पे एरिया हो गया है। आई होप बच्चों बहुत अच्छे से आपको उसको समझ आ गया होगा ड्रॉ करने का, और आपको देखना है कि हमें हर उसमें डबल लेके चलना है जब हम बनाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उन्हें क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक करके भी आप अपने वीडियोस देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।